हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पर एक बड़ी ही जबरदस्त वैम्पायरिश एक्शन थ्रिलर मूवी डे शिफ्ट देखी, जिसमें हम लीड रोल में हमारे इलेक्ट्रो यानी कि जेमी फॉक्स को एज अ वैम्पायर हंटर देखते हैं। इसी मूवी से मुझे कुछ इनसेनली एंड अननोन फैक्ट्स वैम्पायर्स के बारे में पता लगा, तो सोचा कि आप सभी से शेयर कर दूं। नंबर वन, वैम्पायर्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? उसके फैंग्स। फैंग्स ही है जो किसी वैम्पायर को वैम्पायर बनाता है और उसकी उम्र को बढ़ाता है। विदाउट फैंग्स के वैम्पायर जिंदा नहीं रह सकते और ना ही फैंग्स को दोबारा से उगाया जा सकता है। फैंग्स ही है जो वैम्पायर्स की लाइफ स्पैन को डिसाइड करती है। दैट्स व्हाई फैंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन वैम्पायर और जिसका इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में इसकी भारी डिमांड होती है। नंबर टू, वैम्पायर्स की हीलिंग फैक्टर जबरदस्त होती है। वो एक्सट्रीमली फास्ट मूव कर सकते हैं। वैम्पायर्स की वॉमिट, ब्लड और टीयर्स भी डार्क ब्लैक कलर की होती है। नंबर थ्री, अफ्रीका में पाए जाने वाले सबसे ठोस मैपिंग और लकड़ी से वैम्पायर्स बहुत डरते हैं। इसी से वुडन स्टिक बनता है। जब कोई वैम्पायर मरता है तो वो अपने मारने वाले पर एक गैस छोड़ जाता है, जिसे बाद में वो दूसरे वैम्पायर स्मेल करते हुए किलर तक इजिली पहुंच जाते हैं। नंबर फोर, वैम्पायर्स मोस्टली 5 टाइप के होते हैं, सदर्न, ईस्टर्न, स्पाइडर एंड ऊबर, जिसमें ऊबर वैम्पायर से एकमात्र ऐसा वैम्पायर है जो मरने के बाद भी जिंदा हो सकता है। अगर वुडन स्टेक से उसके दिल को ना स्टैप किया जाए, सिल्वर से उसकी गर्दन ना काटी जाए और लास्ट में उसे ना जलाया जाए तो। नंबर 5, वैम्प्स कांट प्रोड्यूस बेबी बट दे कैन मेक अदर पीपल्स वैम्पायर्स लाइक देम। वैम्प्स ना ही पी करते हैं और ना ही पू, क्योंकि ये कुछ खाते पीते ही नहीं है, इंस्टेड ऑफ ब्लड। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मन करे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।